इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जियोपॉस प्लस एजेंट आधार के द्वारा डिजिटल केवाईसी प्रोसेस को पूरा करते हैं। जियोपॉस प्लस में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें। लॉगिन बटन पर टैप करें। यहाँ बाईं तरफ दिख रहे बर्गर आइकन को टैप करें। डिजिटल केवाईसी की प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि किस तरह एजेंट का मोबाइल नंबर रजिस्टर किया जाता है, जिस पर वह ओटीपी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए सूची में दिए गए ऑप्शन से सेटिंग्स का चयन करें। इसके बाद रजिस्टर योर मोबाइल पर टैप करें। तुरंत ही आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर एजेंट का मोबाइल नंबर दर्ज करके अपडेट मोबाइल पर टैप करें। अब एजेंट के दर्ज किए हुए मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा। इस ओटीपी को दर्ज करके वेरीफाई ओटीपी पर टैप करें। इसी के साथ एजेंट का मोबाइल नंबर सफलतापूर्वक रजिस्टर हो गया है। याद रखें कि जरूरत पड़ने पर जियोपॉस प्लस एजेंट को इसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और फिर स्क्रीन पर दिख रही सूची से जियो डिजिटल केवाईसी को चुने। अब ऑर्डर टाइम पॉपअप में ड्रॉप डाउन आइकन पर टैप करके मोबिलिटी सिलेक्ट करें। मोबिलिटी चुनने पर आप मोबिलिटी पॉस स्क्रीन पर निर्देशित हो जाएंगे। यहाँ डिजिटल केवाईसी यानी आधार विकल्प को चुनें। अब पीओआई के लिए ड्रॉप डाउन में से आधार को चुन लें और फिर नेक्स्ट पर टैप करें। ग्राहक ऑनबोर्डिंग के समय तीन तरह के आधार अपने साथ ला सकते हैं। पहला, अगर ग्राहक डिजिटली वेरीफाइड ई आधार लाते हैं तो फुल कॉपी वाला डॉक्यूमेंट ही एक्सेप्ट करें। उदाहरण आपके स्क्रीन पर है। दूसरा, अगर ग्राहक ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर आते हैं तो जांचें कि उसमें क्यूआर कोड और ग्राहक की फोटो स्पष्ट है। और तीसरा प्रकार है एम आधार, मगर इसमें आपको क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए प्रोफाइल बार पर दिख रहे तीन डॉटेड आइकन पर टैप करके शो क्यूआर कोड को चुनना होगा। इसके बाद कस्टमर आइडेंटिटी और एड्रेस को कैप्चर करें। अब प्लस आइकन पर टैप करके कस्टमर आधार कार्ड के आगे वाले हिस्से को कैप्चर करें। तुरंत ही आपका फोन कैमरा शुरू हो जाएगा। अब कस्टमर के आधार कार्ड का फोटो लें। अब कैप्चर किए गए डॉक्यूमेंट को देखने के लिए प्रीव्यू पर टैप। इमेज देखने के बाद क्लोज आइकन पर टैप करें। अब आधार के पिछले हिस्से को कैप्चर करने के लिए प्लस आइकन पर टैप करें। इसी के साथ आधार कार्ड का पूरा फोटो कैप्चर हो जाएगा। जैसे ही इमेज अपलोड हो जाते हैं, आप प्रीव्यू को टैप करके उन्हें देख सकते हैं। इमेज देखने के बाद क्लोज आइकन पर टैप करें और फिर नेक्स्ट पर टैप करें। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपलोड होने के बाद सिस्टम आपको पीओए डॉक्यूमेंट के बारे में पूछेगा। यहाँ POA के लिए आधार चुनें, और क्योंकि आधार को हम POI की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए सेम एज POI पर टैप करें। अब नेक्स्ट पर टैप करें और कस्टमर का लाइव फोटो कैप्चर कर लें। ऐसा करने के लिए कैमरा आइकन पर टैप करें। कस्टमर का फोटो क्लिक करें। यहाँ ध्यान दें कि ये पासपोर्ट फोटो एक प्लेन बैकग्राउंड पर खींची गई है और इसकी हाइट कंधे तक हो, और साथ ही आप कस्टमर को बताएं कि उनकी ये फोटो तुरंत सिस्टम पर अपलोड होती है और उसे डिवाइस पे स्टोर नहीं किया जाता है, इसलिए ये पूरी तरह से सुरक्षित है और इससे ग्राहक की गोपनीयता हमेशा बनी रहती है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर टैप करें। अब कस्टमर की जानकारी कैप्चर करने के लिए आधार कार्ड का क्यूआर कोड स्कैन करें। स्कैन करने पर कस्टमर की पूरी जानकारी आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। यहाँ ध्यान दें कि अगर सभी फील्ड्स जिनके सामने एस्टरिस्क साइन है वो ऑटो पॉपुलेट नहीं हुए हैं तो उन्हें आपको मैन्युअली एंटर करना होगा। ध्यान दें कि पिता का नाम और आपके जन्मदिन की तारीख सही से कैप्चर हुई है।
और अगर नहीं है तो आपको उन्हें खुद एडिट करना होगा। यहाँ ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर दर्ज करके स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्वाइप करें। ग्राहक के एड्रेस डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट पर टैप करें। यहाँ आप ऊपर की तरफ स्वाइप करके पूरी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर याद रहे कि यदि ग्राहक का लोकल सर्विस एरिया यानी कि LSA POS LSA से अलग है तो आपको स्क्रीन पर आउटस्टेशन ग्राहक के लिए एक पॉपअप दिखाई देगा। यह सारी जानकारी ग्राहक के आधार पर लिखे पते से और रजिस्टर्ड POS पते को देखकर सुनिश्चित की जाती है। अब आउटस्टेशन ग्राहक के लिए पॉपअप पर यस पर टैप करें और आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर टैप करें। आगे लोकल एड्रेस स्क्रीन पर स्टार चिन्ह से दर्शाई गई जानकारी को भरना अनिवार्य है। यहाँ पर ग्राहक का स्थानीय पता दर्ज करें और आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर टैप करें। ठीक इसी प्रकार लोकल रेफरेंस एड्रेस स्क्रीन पर स्टार चिन्ह से दर्शाई गई जानकारी भरना अनिवार्य है। यहाँ पर ग्राहक का स्थानीय रेफरेंस का पता दर्ज करें और आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर टैप करें। इसी के पश्चात आउटस्टेशन और इंडिविजुअल ग्राहक के लिए आगे की प्रक्रिया समान रहेगी। अब आप EKYC स्क्रीन पर हैं। यहाँ प्रीपेड प्रोडक्ट का चुनाव करें। जब आप प्रीपेड चुनते हैं तो स्क्रीन पर प्लान्स की लिस्ट आ जाती है। अब कस्टमर की इच्छा के अनुसार प्लान सिलेक्ट करें। चुना हुआ प्लान स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब सिम जैकेट पर दिया हुआ QR कोड स्कैन करने के लिए स्कैन आइकन पर टैप करें। स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्वाइप करें। तुरंत ICC ID, IMSI और MSISDN नंबर अपने आप फिल हो जाएंगे। इस स्क्रीन पर वैनिटी ऑप्शन अपने आप सेट किया हुआ है, पर यह जरूरी नहीं है कि इसके द्वारा कस्टमर को वैनिटी नंबर मिलेगा। अगर कस्टमर MNP चुनता है तो MNP के रेडियो बटन पर टैप करें। और अब ग्राहक से उनके अन्य मोबाइल कनेक्शंस के बारे में पूछें। अगर ग्राहक अपने अन्य मोबाइल कनेक्शंस डिक्लेयर करना चाहते हैं तो टॉगल को ऑन करें और फिर नेक्स्ट पर टैप करें। अब सर्विस प्रोवाइडर का नाम चुनने के लिए ड्रॉप डाउन पर टैप करें और फिर ग्राहक के अन्य मोबाइल कनेक्शंस की संख्या एंटर करके ऐड पर टैप करें और अंत में ओके पर टैप करें। इसी के साथ जियो POS प्लस एजेंट और कस्टमर को OTP भेजा जाएगा। सबसे पहले ग्राहक से उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया हुआ OTP लें। याद रहे ये OTP सिर्फ 30 मिनट के लिए ही वैलिड है और फिर I have read the customer consent पर टैप करें। अब ग्राहक को ध्यान से कंसेंट पढ़ने को कहें और फिर ओके पर टैप करें। इसके तुरंत बाद टिक आइकन हरे रंग में बदल जाएगा। अब एक एजेंट होने के नाते आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए हुए OTP को दर्ज करें। याद रहे ये OTP सिर्फ 30 मिनट के लिए ही वैलिड है। जैसे ही आप एजेंट कंसेंट पढ़ लेते हैं टिक आइकन हरे रंग में बदल जाएगा। इसके पश्चात कस्टमर को दिए गए सिम जैकेट पर उपलब्ध ICC ID के आखिरी 5 अंक दर्ज करें। अब आई एग्री एंड कैप्चर पर टैप। इसी के साथ OTP वैलिडेशन सफल हो गया है। डिजिटल कैश जनरेट करने के लिए प्रोसीड पर टैप करें। अब कैश का PDF जनरेट होगा और सिस्टम में अपलोड हो जाएगा और अंत में बैक एरो आइकन पर टैप करें। इसी के साथ आप बिलिंग समरी स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। टेंडर्स पर टैप करें। यहां स्क्रीन पर दिख रहे पेमेंट विकल्पों में से कैश को अमाउंट एंटर करके डन पर टैप करें। इसी के साथ कस्टमर का ऑर्डर सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। कस्टमर के ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन पिन भेजा जाएगा। कृपया ग्राहक से उनके हॉटलाइन नंबर जो कि उनका नया जियो नंबर है उसके वेरिफिकेशन के लिए
1977 पर कॉल करने के लिए कहें। अंत में होम पेज पर जाने के लिए डन पर टैप करें। हमें आशा है कि आप आधार द्वारा डिजिटल केवाईसी करने की प्रक्रिया समझ चुके होंगे। तो इस मॉड्यूल में सर्टिफिकेशन लेने के लिए स्टार्ट बटन पर टैप करें।